हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सब कैसे हैं? दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके। मेरे साथ मेरे स्टूडेंट हैं। हेलो ब्रदर, गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? राकेश। राकेश जी, कौन सा डे आज आपको ड्राइविंग करते हुए? फोर्थ डे। यहीं से यू टर्न मारना है, हाफ क्लच, थोड़ा सा ब्रेक लेके थोड़ा और आगे जाने दो। अभी पूरी घुमा दो गाड़ी, फुल घुमा दो 90 डिग्री से फुल, और ब्रेक छोड़ो। हाँ, अभी वापस सीधी कर लो, अपने लेफ्ट में ही आ जाओ, लेफ्ट में ही। ये गलत किया आपने, आपको लेफ्ट में आना है ना, टर्न करके लेफ्ट में, क्योंकि गाड़ी की स्पीड आपकी फर्स्ट और सेकंड गियर की है। अभी एक्सेलेटर नहीं लेना है, हल्का सा लेफ्ट आओ। जब भी हम यू टर्न करते हैं, यू टर्न करने के बाद हमें राइट जाना चाहिए या वापस लेफ्ट आना चाहिए, स्पीड पर डिपेंड करता है। अगर आप 40 प्लस हो तो राइट में जाओगे, जो कि पॉसिबल नहीं, क्योंकि यू टर्न पे 40 प्लस होना नहीं चाहिए। भाई यू टर्न पहले या दूसरे गियर में करोगे? कौन से गियर में? पहले और फर्स्ट या सेकंड गियर में। तो फर्स्ट गियर की स्पीड होती 10 to 20, सेकंड की 20 to 30। तो वहाँ पे एक्सेलेटर का कोई रोल ही नहीं था। तो जब आप कार को यू टर्न करते हो, यू टर्न करने के बाद आपको लेफ्ट आना होता ताकि पीछे से जो ट्रैफिक आ रहा है वो बिना आपको डिस्टर्ब करे निकल जाए। उसके बाद आप अपने साइड मिरर में देख के अपनी गाड़ी की स्पीड मेंटेन करके फिर आप लाइन चेंज कर सकते हो। ये होता है यू टर्न करने का तरीका। अब जैसे आपने यू टर्न करके तुरंत राइट चले गए, जो पीछे से ट्रैफिक आ रहा था वो भिड़ा देगा आपकी गाड़ी। वो तो तेज आ रहा ना भाई, NH 24 है हाईवे। ठीक है, चलो ये तो हो गया क्लियर। अभी हम बात करते हैं, जैसे फर्स्ट और सेकंड गियर में हमको कार को रोकना है तो पहले क्या दबाओगे? जैसे फर्स्ट या सेकंड गियर में अगर आप कार चला रहे हो और कार को प्रॉपर तरीके से स्टॉप करना है तो पहले क्या दबाओगे? पहले क्लच दबाओ, पहले पूरा क्लच, फिर धीरे से ब्रेक। तो अभी आपको साइड में ये गाड़ी रोकनी है, पहले तो लेफ्ट का सिग्नल दो ताकि पीछे वाले लोगों को ये क्लियर हो जाए कि ये गाड़ी रुकने जा रही है। अभी पूरा क्लच दबाओ, फुल क्लच को एक से दो छोड़ो, क्लच एक ही बार में दबाओ पूरा, ये होता है दबाना। अब ब्रेक लो धीरे से, ब्रेक को हल्का सा लेना है, क्लच एक ही बार में दबाना होता, ब्रेक धीरे धीरे। अगर ब्रेक अचानक दबाओगे तो गाड़ी झटके से रुक जाएगी। अभी गाड़ी आपने न्यूट्रल कर दी, ठीक है, अब आप क्लच ब्रेक छोड़ दो। वापस अब गाड़ी बढ़ानी तो क्या करेंगे आप? क्लच दबाएंगे। कितना क्लच दबाएंगे? पूरा फुल। हाँ, पहली गियर पे, पहला गियर। गाड़ी को रोका किसी भी गियर में जा सकता, बढ़ाने के लिए फर्स्ट गियर करना कंपलसरी। पर यहाँ पे आपने एक मिस्टेक करी, पता चला आपको राकेश जी? नहीं, आपने यहाँ मिस्टेक करी। कार को रोक के टाइम आपने लेफ्ट का सिग्नल दिया था, जब कार वापस आप बढ़ा रहे थे तो आपको राइट का सिग्नल देना चाहिए ना। पीछे वाले को आप कैसे अलर्ट करोगे कि भाई हमारी गाड़ी चलने जा रही है? 80% एक्सीडेंट इसकी वजह से होते हैं। अभी फिर वापस रोकना है आपको, फुल क्लच देन ब्रेक। अब ऑलरेडी आप फर्स्ट गियर में, उसको क्यों न्यूट्रल किया आपने? क्यों न्यूट्रल किया था? अब न्यूट्रल करने की कोई नीड थी यहाँ पे? नहीं थी कोई न्यूट्रल करने की नीड, इसलिए नहीं थी क्योंकि आप ऑलरेडी फर्स्ट गियर में, तो रोक के वापस फर्स्ट गियर में ही कार को बढ़ाना होता है, समझ रहे? अब वापस राइट का सिग्नल दो। हाँ, अब इसको फर्स्ट गियर में करो और वापस बढ़ा लो। अभी क्या गियर सही लगा रहे थे आप इससे पहले? नहीं, आप सीधा सीधा डाल रहे थे जो कि थर्ड गियर होता है, और आपको लेफ्ट पुश करके फिर अप करना था। ये सब छोटी छोटी बारीकियां ही हमें सीखनी है। अभी फिर पूरा क्लच दबाओ और ब्रेक लो। इसको क्यों छेड़ रहे हो, गियर को क्यों छेड़ रहे हो? इसीलिए मैंने गाड़ी दोबारा रुकवाई है, इसको छेड़ने का कोई मतलब ही नहीं था। बार बार गियर न्यूट्रल करने की नीड नहीं होती। जब अगर आप ट्रैफिक में चल रहे हो, सपोज करो यहाँ से 50 मीटर तक जाम लगा है, अब गाड़ी को आपको रोक रोक के बढ़ाना, तो क्या न्यूट्रल करना बार बार जरूरी है? नहीं भाई, ऑलरेडी आप फर्स्ट गियर में रोका, पूरा क्लच देन ब्रेक, फिर ब्रेक छोड़ो, फिर हाफ क्लच छोड़ो, गाड़ी बढ़ जाएगी। अभी ब्रेक छोड़ो और हाफ क्लच छोड़ो, गाड़ी बढ़ जाएगी। बस हाफ क्लच, फिर वापस पूरा क्लच दबाओ, फिर हल्का सा ब्रेक लो, फिर वापस ब्रेक छोड़ो, फिर हाफ क्लच छोड़ो, फिर पूरा क्लच दबाओ, पूरा क्लच दबाओ, हल्का ब्रेक लो, फिर ब्रेक छोड़ो, फिर हाफ क्लच छोड़ो, वापस पूरा क्लच दबाओ। आपने देखो क्या किया यहाँ, दबा दिया। यही गलती नहीं होनी चाहिए। गाड़ी का इंजन क्यों बंद होता है? करना हमको कुछ और है, करते कुछ और है। राकेश जी, आपका राइट वाला पैर हवा में नहीं आना चाहिए, उसकी एड़ी नीचे मैट पे टच रहनी चाहिए। तो ये जो बाई मिस्टेक आपने एक्सीलेटर ब्रेक की, एक्सीलेटर की जगह ब्रेक दबाया ना, ये नहीं दबना चाहिए। फिर पूरा क्लच, धीरे से ब्रेक। क्लच दबाने में आप समय लगाते हो, क्लच एक ही सेकंड में पूरा पुश करना होता है, एक सेकंड में। अभी ब्रेक छोड़ो, हाँ, अभी हाफ क्लच छोड़ो, हाँ, वापस फुल क्लच देन ब्रेक, वापस ब्रेक को रिलीज करो, फिर क्लच छोड़ो,
पूरा क्लच और ब्रेक, फिर ब्रेक छोड़ो। समझ में आया? एक्चुअल में जो कार को ट्रैफिक में हम चलाते हैं, बम्फर टू बम्फर जिसको बोलते हैं, वहां पे एक्सीलेटर की नीड नहीं होती, हमको छूना ही नहीं है। अगर डीजल गाड़ी तो सेकंड गियर में भी गाड़ी को आप रोक रोक कर बढ़ा सकते हो, लेकिन बढ़ाना नहीं चाहिए क्योंकि क्लच प्लेटें जो बहुत जल्दी चली जाती हैं और इंजन पे लोड भी पड़ता है। फर्स्ट ये देखो झटके लग रहे हैं, क्यों लग रहे हैं? क्योंकि आपका राइट वाला पैर सेट नहीं हो पा रहा है, जिस तरीके से उसको यूज़ करना आप उस पर ताकत ज़्यादा लगा रहे हैं। जैसे हम टच फोन चलाते हैं उस तरीके से हमको अपने टो को यूज़ करना है, ठीक है? समझ रहे हैं? अभी स्पीड मेंटेन करिए, चलो स्पीड मेंटेन करो, सीधा जाना, एकदम सीधा, नीचे नहीं उतारना है। स्टीयरिंग देखो कितना हार्ड पकड़ लिया आपने अभी, देखा? सिग्नल बंद कर दो, क्लच दबा के सेकंड गियर करो। राकेश जी, क्या आपका राइट वाला पैर ब्रेक पे आया? बताइए। नहीं नहीं नहीं, ये सब चीजें फिर ये 15 दिन आपके लिए कम पड़ जाएंगे। अभी देखो आपने क्लच छोड़ा ना और एक्सेलेटर देना स्टार्ट कर दिया, 15 दिन ये कम पड़ जाएंगे, ध्यान रखिएगा। मैं जितनी बार आप गियर चेंज करोगे, गियर चेंज करते वक्त आपका राइट वाला पैर ब्रेक पे होना इसलिए जरूरी है कि जब हम लेफ्ट पैर से क्लच दबाते हैं, लेफ्ट पैर से क्लच दबाते हैं तो राइट वाला पैर भी हमारा मूवमेंट में आ जाता है और वो बिना बात के एक्सीलेटर दब जाता है। उस टाइम आपका पूरा क्लच दबा होता है तो गाड़ी चलनी तो है नहीं, बस इंजन वाइब्रेट करता है। तो जिस वक्त आप पूरा क्लच दबाया है आपने, उस टाइम राइट वाला पैर आपका ब्रेक पे होना चाहिए और ब्रेक दबाना नहीं है। डिस्क ब्रेक होता है, अगर आपने ज़रा सा भी ब्रेक दबा दिया तो गाड़ी का इंजन आपकी बंद हो जाएगा, इंजन बुस जाएगा या जिस गियर में आप गियर चेंज कर रहे हो वो स्पीड डाउन हो जाएगी। चलो जाने दो। और स्टीयरिंग को जितना लाइट पकड़ोगे, आप मुट्ठी बांध रहे हो, बार बार ग्रिप बना रहे हो, मैं बार बार आपको टोक रहा हूँ कि इसको बाइक की तरीके से नहीं पकड़ना है, इसको कार के तरीके से, जो उंगलियाँ आप इस टाइट कर रहे हो उसको टाइट नहीं करना, उसको जितना लूज रखोगे उतना अच्छे से आप इसको संभाल पाओगे। समझ रहे हैं? अभी हाफ क्लच आपने दबा रखा है तो क्या राइट वाले पैर एक्सीलेटर पर रखने की ज़रूरत है कोई? नहीं। क्यों रख रखा फिर, जब आपने हाफ क्लच भी पूरी तरीके से गाड़ी को एक्टिव भी नहीं होने दे रहे हो, यहीं से लेफ्ट पूरी तरीके से गियर में एक्टिव भी नहीं होने दे रहे हो, उसके बाद भी एक्सीलेटर पे पैर रख रखा, तो ये तो एक्सीडेंट के चांसेस है ना भाई। पहले तो हम गाड़ी को पूरी तरीके से एक्टिव करेंगे, जो पहले से उसकी स्पीड सेट है वो हो, उसके बाद हम एक्सीलेटर पे पैर ले जाएंगे। और ये फिर आपने देखो खाली अंगूठा रख रखा, अभी आपको मैंने बताया था कि पैर क्या होना चाहिए। राकेश जी बहुत सीरियस होना है, समझ रहे हैं? नहीं, ये इसमें बहुत कुछ सीखना बाकी है अभी। जो पैर है, पैरों को जितनी जल्दी सेट कर लोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा, बाकी की जर्नी बहुत इजी हो जाएगी। दोस्तों आपने देखा कि क्लच और ब्रेक को कैसे हम कंट्रोल करते हैं, कितना क्लच लेना चाहिए, कितना ब्रेक लेना चाहिए, और गाड़ी को ट्रैफिक में जब चलाना होता है रोक रोक के, हाफ क्लच पे रोकना फिर बढ़ाना, फिर हाफ क्लच पे रोकना फिर बढ़ाना, हाफ क्लच लेके ब्रेक लेना गाड़ी रुक जाएगी, फिर हाफ क्लच को रिलीज करोगे गाड़ी वापस बढ़ने लगेगी, ये ट्रैफिक का रोल होता है, बम्फर टू बम्फर जिसको बोलते हैं, जाम में गाड़ी को कैसे बिना एक्सीलेटर के बढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।